नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गेम चेंजर में। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम इसी आशा के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने आपको बताया कीबोर्ड के बारे में और आज हम अन्य इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। तो आज बात करेंगे हम माउस की। माउस का आविष्कार किसने किया? आविष्कार तो माउस का आविष्कार किया है डगलस सी एम एंजलबर्ट। डगलस सी एंजलबर्ट ने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, माउस होता क्या है? आपने देखा होगा माउस एक, पहली चीज तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस दिखने में कैसा होता है? माउस दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें तीन बटन पाए होते हैं, एक राइट बटन, लेफ्ट बटन और एक स्क्रॉल बटन, ठीक है। अरे बच्चों, माउस के अंदर तीन प्रकार के बटन पाए जाते हैं, राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन। इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि माउस होते कितने प्रकार के हैं। माउस कितने प्रकार के होते हैं? तो माउस होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं ऑप्टिकल माउस, दूसरे होते हैं मैकेनिकल। ठीक है, माउस दो प्रकार के होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस, दूसरा मैकेनिकल माउस, ठीक है। ऑप्टिकल माउस को ही हम लोग बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। ऑप्टिकल माउस को हम लोग बोलते हैं डिजिट माउस, ठीक है। और मैकेनिकल माउस क्या थे? मैकेनिकल माउस वो थे जो पहले यूज होते थे, ठीक है। पहले तो मैकेनिकल माउस क्या थे? जो पहले यूज किए जाते थे। अभी तक हमने जाना माउस क्या था, ठीक है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस के अंदर तीन प्रकार की बटने पाई जाती है, एक राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन, ठीक है। माउस दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। माउस कितने प्रकार का होता है? माउस होता है दो प्रकार का, एक ऑप्टिकल माउस, दूसरा मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस को हम डिजिट माउस भी बोलते हैं। मैकेनिकल माउस क्या थे? जो पहले यूज किए जाते थे वो मैकेनिकल माउस थे, ठीक है। अब जानेंगे राइट बटन का क्या काम होता है माउस में। राइट बटन का काम होता है किसी भी चीज को कॉपी, पेस्ट, रीनेम, ठीक है। राइट बटन का काम कॉपी, पेस्ट और रीनेम के लिए किया जाता है। और लेफ्ट बटन का क्या काम होता है? पहले बच्चों जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए कि लेफ्ट बटन का क्या काम होता है। लेफ्ट बटन का काम होता है, जैसे ही हम माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करते हैं, तो जब एक बार प्रेस करते हैं तो कोई भी फाइल सेलेक्ट हो जाती है। जब उसको दोबारा क्लिक करते हैं, जब लेफ्ट बटन को हम एक बार प्रेस करते हैं, तो जो हमारा ऐप या फाइल है वो क्या होती है?
सेलेक्ट हो जाती है, उसको जब दोबारा हम प्रेस करते हैं, दोबारा प्रेस करने पर क्या हो जाता है, तो प्यारे बच्चों दोबारा प्रेस करने पर वो फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी माउस के बारे में। माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार किया था डगलस सी एजलवर्ड ने, ठीक है, एजलवर्ड ने। माउस दो प्रकार के होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस, दूसरा मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस को हम डिजिट माउस भी बोलते हैं। मैकेनिकल माउस क्या थे? जो पहले यूज किए जाते थे, ठीक है, उनको मैकेनिकल माउस, या पुराने जो माउस थे उनको हम लोग मैकेनिकल माउस बोलते हैं। ठीक है, माउस के अंदर तीन प्रकार की कीज पाई जाती हैं, एक तीन बटन होती है, एक राइट, लेफ्ट और एक कर्सल, कर्सल बटन। ठीक है, तो हमने जाना राइट बटन का क्या काम होता है। राइट बटन किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट या रीनेम करने के लिए यूज की जाती थी। लेफ्ट बटन का यूज कहाँ होता है? किसी भी फाइल को, ऐप को, जब लेफ्ट बटन को हम एक बार प्रेस करते हैं तो कोई भी ऐप या फाइल सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, जब उसी को हम दोबारा प्रेस करते हैं तो वो फाइल या ऐप क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी राइट बटन और लेफ्ट बटन की। अब बात करते हैं हम स्क्रॉल बटन की, माउस के अंदर स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का क्या काम होता है? इसका काम होता है किसी भी वेब पेज को अप एंड डाउन, वेब पेज को अप या डाउन करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जाना कि स्क्रॉल बटन का क्या काम होता है, किसी भी वेब पेज को अप या डाउन करने के लिए। ठीक है, राइट बटन का काम कॉपी और पेस्ट या रीनेम करने के लिए। ठीक है, लेफ्ट बटन का क्या काम होता है? लेफ्ट बटन का काम होता है कि अगर एक बार प्रेस करोगे तो कोई भी फाइल या ऐप जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, अगर लेकिन उसको दोबारा फिर से प्रेस कर दोगे तो वो फाइल या ऐप ओपन हो जाएगा। माउस दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। आविष्कार किया था डगलस सी एंजलवर्ट ने। ठीक है, अब बात करेंगे हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस की, जैसे MICR, MICR, MICR क्या होता है? MICR का यूज हम करते हैं, आपने देखा होगा बैंक का जो चेक होता है ना, चेक में एक चेक होता है जो बैंक में, बैंक का जो चेक होता है कभी देखा होगा, उसमें कुछ इस प्रकार के उभरे हुए अक्षर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, MICR का क्या काम होता है? उस उभरे हुए अक्षर को पढ़ने का काम करता है। ठीक है, MICR का काम कहाँ होता है? बैंक के पासबुक को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जो उभरा हुआ इंक, मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ जो भाग होता है उसको रीड करने के लिए काम आता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम OCR की, तो प्यारे बच्चों OCR क्या होता है? OCR क्या होता है प्यारे बच्चों? OCR जैसे पुराने दस्तावेज जो होते थे ना, उनकी लिखावट जो बदल जा मतलब खराब हो जाती थी, उसको पढ़ने के लिए हम लोग OCR का यूज करते थे। जैसे हमारे पूर्वज लोग, बाबा पर दादा दादा ने जो है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, उसको रखा, करीब 50-60 साल पुराना हो गया, तो वो पढ़ने के काम नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, उसकी इंक खराब हो गई होगी, तो उसके लिए हम OCR का यूज करते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए हम OCR का यूज करते हैं। OCR क्या करता है? इसको OCR इसको क्या करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये क्या करता है? जो हमारे पुराने दस्तावेज होते हैं ना, उनकी जो लिखावट होती है उनको ASCII
सी आई आई में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ओ एम आर की। ओ एम आर क्या होता है? ओ एम आर आपने देखा होगा, ओ अभी जो एग्जाम हुए थे हमारे कोरोना के बाद, तो वहां पर आपको ओमआरआई सीट दी गई थी, ठीक है, जो ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको उनकी जो है उत्तर पुस्तिका को जांच करने के लिए हम लोग ओएमआर का यूज करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जो हमारी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं उसकी उत्तरों की जांच करने के लिए हम लोग ओएमआर का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टीबीटी की। टीबीटी क्या होता है? टीबीटी क्या होता है? ये एक टीबीटी क्या होता है? ये एक माउस के जैसा दिखने वाला यंत्र होता है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन यहां इसमें क्या होता है, टीबीटी में माउस में क्या होता था कि एक माउस में क्या होता था, एक छोटा सा सर्कल लगा होता था, पहिया लगा होता था। यहां पर क्या होता है, टीबीटी में एक बड़ा सा गेंद लगा हुआ होता है रेड कलर का, ठीक है, टीबीटी। तो ये हो गया टीबीटी। ये क्या होता है, ये माउस की तरीके का कार्य, मतलब माउस की तरीके से दिखता है, ये माउस के जैसा दिखता है। टीबीटी के बाद हम बात करेंगे जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या होता है? आपने देखा होगा कि बचपन में आपने गेम खेला होगा, कुछ इस प्रकार का लगा हुआ होता है, ठीक है, ये इसको जो है हाथ से ऐसे ऐसे मूव करो, ठीक है, जिस तरफ घुमाओगे तो हमारी कार या मतलब गेमिंग जो भी हम गेम खेल रहे होते हैं उसका कैरेक्टर जो है इसके हिसाब से राउंड करता है, ठीक है। ये क्या होता है, जॉयस्टिक। इसका यूज कहां करते हैं हम लोग? गेम खेलने में किया जाता है। पहले बच्चों जॉयस्टिक का यूज कहां किया जाता है? गेम खेलने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना माउस क्या होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस के अंदर तीन बटन पाए जाते हैं, एक राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन, ठीक है। माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किया था डगलस सी एंजलबर्ट ने, ठीक है। माउस दो प्रकार के होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस, दूसरा मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होते थे? डिजिट माउस को ही ऑप्टिकल माउस बोला जाता था, ठीक है। मैकेनिकल माउस जो पुराने माउस थे, जो पहले यूज होते थे, उनको क्या कहते थे हम? मैकेनिकल माउस, ठीक है। राइट बटन का काम क्या होता है? कॉपी पेस्ट या रीनेम के लिए यूज करा जाता था। लेफ्ट बटन का काम, इसको अगर एक बार प्रेस करते थे तो कोई भी फाइल या ऐप क्या होता था, एक बार में सेलेक्ट हो जाता था, तथा उसको जब दोबारा प्रेस करते थे तो वो फाइल या ऐप ओपन हो जाता था। उसके बाद हम स्क्रॉल बटन की बात करते हैं। स्क्रॉल बटन का काम क्या था? वेब पेज को अप या डाउन करने के काम आता था, ठीक है। उसके बाद MICR, MICR क्या है? MICR भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक है। MICR क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका काम कहाँ होता है? MICR का यूज हम लोग बैंक में करते हैं, ठीक है। और OCR क्या था? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये हमारे पुराने दस्तावेज पढ़ने के काम आता था। OMR क्या है? जो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आंसर होते थे उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए OMR का यूज करते थे। टीबीटी क्या है? ये माउस के जैसे दिखने वाला एक इनपुट डिवाइस है, इसमें स्क्रॉल बटन की जगह पे एक रेड कलर का बॉल जैसा लगा हुआ होता है। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक को प्रायः हम गेम खेलने के यूज में लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्कैनर की। स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। यह हमें सॉफ्ट कॉपी
इसके अंदर हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके अंदर हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराता है जिसको हम छू नहीं सकते, मतलब जैसे कि एक प्रिंटर है, ठीक है, इसी में ऊपर स्कैनर लगा हुआ होता है, हम कोई भी इसमें जो है फोटो कॉपी या कुछ भी रखते हैं, ठीक है, फिर स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ जो हमारा बॉक्स लगा हुआ है इसमें क्या आती है, वो फाइल पीडीएफ या जीआरएफ के मतलब के फॉर्मेट में आ जाती है, ठीक है, पीडीएफ या जेपीआरएफ, ठीक है, के फॉर्मेट में आ जाती है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते हैं, ये हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और प्रिंटर से निकलने वाला जो प्रिंट आउट होता है वो क्या होता है, हार्ड कॉपी होती है, ठीक है, उसको हम छू सकते हैं, लेकिन वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। स्कैनर हमारा क्या है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और जो प्रिंटर हमारा है, प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना माउस क्या होता है, MICR का यूज कहाँ होता है, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है, TBT जॉयस्टिक स्कैनर, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के क्या है, एग्जांपल्स हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इन सारी चीजों में कोई दिक्कत है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि इतनी चीजों में आपको कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कल हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की, कल हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।